है, कोई कंप्लेन करने पर इन लोग को धमकी दिया जा रहा है, और ये दोनों वार्ड में टेंडर भी नहीं दी है, काम भी नहीं दे रही है। ये हरजन जाति से जीत कर आए हैं गुड्डू कुमार जी। अभी जो वर्तमान चेयरमैन का बोर्ड बना, ये दोनों तो हैं नया बोर्ड बना है, ये जो नमतुला फर्दी चेयरमैन प्रतिनिधि है, ये तो बोला था। गोल लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। मुख्य पार्षद आईओ से वार्ड पार्षद नाराज बाणे, कहलन कि जवन एनजीओ 21 वार्ड के सफाई ना कर पाइल ओकरा के 42 वार्ड दिहल गई, टेंडर के भी लेके लगैले आरोप। अभी कहावत धीरे धीरे इहो पुरान हो जाई कि लूट के छूट मचल बाटे भगवाने करिहे भाला, आ गली में नली बनल नाही गलिए हो गई नाला। जी हाँ, रोहतास जिला में भ्रष्टाचार के आरोपी रहल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के बक्सर जिला में भी आरोप पे आरोप लाग रहल बा। एनजीओ एकरा बीच के तालमेल जवन चल रहल बा उ सफाई के मामले में बक्सर रैंक सुधरे वाला नहीं। मुख्य पार्षद आ बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी से नाराज चल रहल वार्ड 22 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद प्रसाद के द्वारा गंभीर आरोप लगावल कहल गई कि जवन एनजीओ 21 नंबर वार्ड नगर परिषद के रैंक ना सुधार पावल ओकरा के दोबारा 42 वार्ड वाला बक्सर के सफाई के जिम्मा के साथ साथ गंगा के सफाई के भी काम दे दिहल गई। वही पूर्व वार्ड पार्षद राजेश कुमार के द्वारा बतावल गईल कि जब से बक्सर में ईओ के रूप में प्रेम स्वरूपम आइल बारी सफाई के नाम पोछू लूट मचल बटुए, एनजीओ पे FIR बा वही के टेंडर दिहल जा रहल बा। एकरा पहले 28 लाख के टेंडर भई रहे, ओकरा बाद जब ही अली तो 62 लाख के टेंडर कोइली, एकरा बाद जब नया बोर्ड बनल तो 88 लाख के टेंडर होके लागल। साथे साथ आरोप लगाव लोग कि जहां 500 रुपया लेबर के देवे के बा वो या 300 लेबर भी 300 के लेबर भी नहीं खे मिलत, प्रतिदिन 2-3 लेबर हर वार्ड से गायब कर दिया जाता है। वही वार्ड पार्षद के धमकी भी मिलता है। बतावता लोग कि हमनी के नज़दीक में 22 आ 23 वार्ड बा जेकर अपेक्षा के नज़र से देखल जा रहल बा। वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद गुड्डू कुमार बतैनी कि हमारा वार्ड के स्थिति काफ़ी खराब बा, हमारा वार्ड में लेबर नहीं खनावत जेकरा कारण हमार वार्ड के पूर्ण रूप से सफाई नहीं के होत। लेबर मंगला पर 10-11 बजे तक की लोग ढूंढत आ लोग, लेकिन लेबर इन लोगों के नहीं खे मिलत। साथे साथ कहना बा कि कवना ढंग से सफाई के टेंडर चल रहल बा एकर सूद लेवे वाला केहू नहीं थे। हालांकि सच्चाई बा कि एकरा खातिर बगर बक्सर नगर परिषद के होने के कारण कई बार मतलब नगर पालिका से मांग किए लेबर बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बात को सुना नहीं जा रहा है। और जो एनजीओ से 21 वार्ड नहीं चल रहा था उसी एनजीओ को 42 वार्ड दे दिया गया है, उसके साथ गंगा सफाई का भी जो कि पूर्ण रूप से मतलब काम नहीं हो रहा है। अभी आपके वार्ड में कितने लेबर आ रहे हैं? अभी हमारे वार्ड में नियुक्त किए गए 7, लेकिन दो तीन एक डेली छुट्टी मारते हैं लोग। इसकी शिकायत आप किए हम ग्रुप में अपना? क्या बोला गया ग्रुप में? बोला गया है, लिखित भी दिए हैं कि हमारे वार्ड बड़ा होने के कारण उसमें लेबर बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी से आपने बातचीत किया था? नहीं, लिखित के रूप में दिए हैं हम। लिखित के रूप में जी। क्या नाम पड़ेगा? विनोद प्रसाद, वार्ड नंबर 22 प्रतिनिधि हैं हम। एकदम बेकार है, जब से प्रेम स्वरूपम ईओ आई है बक्सर में लूटपट मचा है। इसके पहले 28 लाख का टेंडर होता था, उसके बाद ही आई प्रेम स्वरूपम तो 62 लाख के टेंडर की, नया बोर्ड आया तो 88 लाख का टेंडर की है, और ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को जिस पे FIR हो गया उसको होल्डिंग टैक्स का टेंडर दी है। ये लूट मट मचाई है, और 554 गो लेबर को देना है, ये 300 लेबर भी नहीं दे रहा है,
प्रतिदिन 2-3 लेबर हर वार्ड में गायब कर दिया जाता है और बोलने पर सुन नहीं रहता रह रहा है और वार्ड पार्षद को धमकी भी मिलता है। और मेरे ही बगल में 2 वार्ड है 22-23 जिसमें इस गलत निगाहों से देखा जा रहा है, कोई कंप्लेन करने पर इन लोग को धमकी दिया जा रहा है और ये दोनों वार्ड में टेंडर भी नहीं दी है, काम भी नहीं दे रही है। ये हरजन जाति से जीत कर आए हैं गुड्डू कुमार जी। अभी जो वर्तमान चेयरमैन का बोर्ड बना, ये तो नया बोर्ड बना है, ये जो नमतुला फर्दी चेयरमैन प्रतिनिधि है, ये तो बोला था कि बोर्ड में पहला एजेंडा होगा रोड पे सरकार चलेगा, और जो पहले सरकार चलाता था लूटपाट कर रहा, इससे भी बड़ा ही लुटेरा निकला नमतुला फरीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व वार्ड पार्षद है राजेश यादव। क्या है आपके वार्ड की स्थिति, क्या है हालात? वार्ड की स्थिति हमारे बहुत बुरे हैं। मेरे वार्ड में लेबर नहीं आ रहा है जिसके कारण मेरे वार्ड का पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो रहा, और लेबर मांगने पर 10-11 बजे तक लेबर ये लोग ढूंढते रह जा रहे हैं लेकिन लेबर इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और किस ढंग से ये टेंडर चला रहे हैं जिसका कोई जवाब लेने वाला नहीं है इन लोगों से, और ईओ और एनजीओ का दोनों का लूटपाट एकदम खुलेआम चल रहा है। इसकी शिकायत आप कहीं की है? शिकायत हम आवेदन लिख के किए हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप में किए हैं, लेकिन उसमें हमको धमकी मिलता है कि उल्टा पुल्टा लिखोगे तो हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। कौन दे रहा है धमकी आपको? कार्यपालक। आप तो रिजर्व सीट पे? हाँ, SC ST सीट से हम जीत कर गए हुए हैं और कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे वार्ड में अभी तक 42 वार्ड में काम मिला, हम लोगों का कोई काम नहीं मिला है। ना टेबल टेंडर का काम निकला हुआ था, वो भी छोटा मोटा जो रिपेयर का काम था वो भी नहीं काम हुआ हम लोगों के वार्ड में, नहीं एक ईंटा तक गिरा है मेरे वार्ड में। आप जिम्मेवार किसको मानते हैं इसके? जिम्मेवार सरासर ये कार्यपालक है और ये चेयरमैन प्रतिनिधि है, ये दोनों लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों को काम नहीं देने का इन लोग मुद्दा बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23।